नमस्कार मित्रों, आज एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। भगवान शिव का धनुष पिनाक, उसका पूरा परिचय। वही धनुष जो माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तो एक घोर जंगल में ऋषि कर्ण तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में कई वर्षों तक लीन थे और उन्हें भान नहीं रहा कि दीमक ने उसमें उनके शरीर के ऊपर बांबी बना दी है और उसमें मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बन गया है। उस ढेर में बांस की घास उग गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि कर्ण की तपस्या जब पूरी हुई तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उनको वरदान दिया, उन पर अपना शुद्ध जल छिड़का। तब ऋषि कर्ण की शरीर, उनका पूरा सौंदर्य वापस आया। बाहर जा ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को लगा कि ये जो बांस का पेड़ उगाया है ये कोई साधारण नहीं रहा होगा, क्योंकि ये ऋषि कर्ण उनके शरीर के ऊपर उगा है। तो उन्होंने वो बांस काट करके विश्वकर्मा जी को दे दिया कि इसका कोई सदुपयोग हो पाएगा। विश्वकर्मा जी ने उस बांस से दो धनुष बनाए, एक सारंग और दूसरा पिनाक। सारंग धनुष उन्होंने भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया और पिनाक धनुष शिव जी को दिया गया। बड़ा शक्तिशाली ये धनुष था। त्रिपुरासुर की तीन नगरियों का एक ही बाण से शिव जी ने अंत कर दिया था। इतना शक्तिशाली धनुष था, बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर। इसकी टंकार मात्र से पर्वत तक हिल जाते थे। जब तक देवताओं और असुरों का काल रहा तब तक ये धनुष शिव जी के पास रहा। इसके बाद जब ये काल खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गए, तो भगवान शिव ने ये धनुष देवताओं को दे दिया। बाद में यही देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को ये सौंप दिया। देवरात की धरोहर के रूप में ये राजा जनक के वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। बहुत भारी था, बहुत शक्तिशाली था, कोई इसको आसानी से उठा नहीं पाता था। लेकिन एक बार बचपन में माता सीता ने ऐसे ही कुछ काम करते समय उस धनुष को उठाया जो राजा जनक ने देखा, और तब उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तो इसका विवाह भी एक असाधारण व्यक्ति से होना चाहिए। और तब उन्होंने जब स्वयंवर आयोजित किया तो उसकी शर्त रख दी कि जो भी इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। माता सीता की शादी उसी से होगी। बाकी कहानी आपको पता है, सारे असुर सारे देवता सब आते हैं स्वयंवर में, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा भी नहीं पाता है। भगवान राम की जब बारी आती है तो वो उसे उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और चढ़ाने से पहले उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने में परशुराम भगवान आते हैं, थोड़ी देर उनसे विवाद होता है लक्ष्मण जी का। बाद में रामचंद्र भगवान ये राज खोलते हैं परशुराम भगवान के सामने कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ, तब जाके विवाद समाप्त होता है। प्रश्न ये आता है कि भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा क्यों? राम भगवान ने उस धनुष को इसलिए तोड़ा जिससे कि इस देश की उस परंपरा का अंत कर दिया जाए कि किसी भी लड़की का विवाह बिना उसकी इच्छा के हो जाए। स्वयंवर में कोई भी आ सकता था, कोई भी तोड़ सकता था। कन्या का उससे विवाह करने का मन है या नहीं है ये उसकी मजबूरी बन जाती है। उन्होंने तोड़ने के बाद भरी सभा में कहा था ये परंपरा हटनी चाहिए, हर एक को अपना जीवन साथी चुनने की संपूर्ण आजादी होनी चाहिए, इस पर किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। यही कारण है कि वो धनुष टूटा था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हम सनातियों के पास तक और भी सूचनाएं पहुंचेंगी, हम अपने धर्म को ज़्यादा पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद।